इस साल आईपीएल में एम्पायरिंग पर कुछ ज्यादा ही सवाल उठ रहे हैं। कल सेहोब द्वारा बाउंड्री पर पकड़ा गया संजू सैमसन का कैच इतना ज्यादा क्लोज होने के बावजूद अंपायर ने एक बार में ही देख के आउट दे दिया। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। कमेंट में बताइए कि संजू सैमसन आउट थे या नहीं आउट थे। चलो मैच का पूरा हालचाल बताते हैं। राजस्थान ने टॉस जीता, टॉस जीत के दिल्ली को पहले बैटिंग करने के लिए बुला लिया। दिल्ली के ओपनर्स ने राजस्थान का इन्विटेशन कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और आते ही राजस्थान की धुनाई चालू कर दी। जैक फ्रेजर मैकगर्क ने 20 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, तो वहीं पोरेल ने 36 गेंदों में, और अंत में क्रिस्टन स्टब्स ने 20 गेंदों में 40 रन मारकर दिल्ली का स्कोर 221 रन तक पहुंचा दिया। राजस्थान की शुरुआत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर में आउट हो गए। उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर जॉस बटलर भी 19 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन संजू ने एक छोर संभाल रखा था। संजू ने पहले रियान प्राग और उसके बाद शुभम दुबे के साथ बढ़िया पार्टनरशिप की। एक टाइम पे तो ये लगने लगा था कि 221 का स्कोर छोटा स्कोर है, तभी संजू आउट हो गए और राजस्थान की गाड़ी पटरी से उतर गई और राजस्थान ये मैच 20 रन से हार गया। संजू सैमसन का विकेट कंट्रोवर्शियल बन गया है। आपको क्या लगता है, क्या संजू आउट थे या नहीं आउट थे, बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जी, मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।